उस पर क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था के ऊपर पूरी भारत कह रही है, पूरा विश्व के जो बंगाली है हम सब शर्म के नाते हमारा सर जो है झुक गया है। बंगाल के बारे में बात होती थी तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात होती थी, सत्यजीत रे की बात होती थी, आज बंगाल के बारे में बात होती है तो हिंसा की बात होती है। कैसे एक मुख्यमंत्री खुद प्रोवोक कर रही है और चारों तरफ हिंसा को फैलाने में अपने पार्टी और पुलिस को काम में लगा रही है, इसी चीज़ की जिक्र जो है पूरी दुनिया में होती है। बहुत शर्मनाक घटना है जिस तरीके से हमने कल धिक्कार दिवस मनाया है, तो कल यानी कि कल है मेरे ख्याल से बुधवार को कलकत्ता में बहुत बड़ा धिक्कार मिचिल होने वाले हैं। हम इस दहशतगर्दी, इस वायलेंट एक क्रूएल मुख्यमंत्री जिनके निगरानी पर ये सारी चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। और अब मेरे ख्याल से निंदा करने का भी जो क्षण है वो भी शायद पीछे चला गया है, अब आगे बहुत सख्त कदम उठाया जाएगा। वो कदम क्या होगा आपको मेरे ख्याल से बहुत जल्दी दिख जाएगा, लेकिन 21 तक ये सरकार ना टिक सकती है, ना इनको टिकने का इनका कोई भी मॉरल राइट है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और अभी भी पंचायत के पहले से ये दौर शुरू हुआ था, अभी भी राजनीतिक किलिंग का कोई, राजनीतिक हिंसा की कोई ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। और अभी तो खतरनाक तथ्य सामने आ रही है कि जो भी आरोपी वहाँ पर है संदेशखाली में, उसके साथ रोहिंग्या का जो है उसका भी कनेक्शन जो है मिला है। क्या बताऊँ मैं, ये सरकार का कोई मॉरल राइट ही नहीं है कि वो और ऊपर से ये सब ड्रामेबाजी हो रहा है जो बचपन से हम देखते आए किस तरीके के ड्रामे होते हैं। एक तो खुद ही विद्यासागर की मूर्ति तोड़ो, फिर उसके बाद उसी को दोबारा बना के मिचिल करा के लेके जाओ। लोगों ने इसको सरेआम जो है ठुकरा दिया है, इस बार 19 में जो है हाफ साफ तृणमूल को कर दिया है, स्पष्ट रूप से लोगों ने ये बात बता दी है। उसके बाद भी इनका ज़रा सा भी इंट्रोस्पेक्शन का कोई जगह इन्होंने नहीं रखा, कहीं पे भी वो बैठ के ये सोचा नहीं कि क्यों लोगों ने हमें रिजेक्ट किया है। तो ऐसी पार्टी जो इतने गुरूर वाले जो पार्टी है, इनका अंत जो होना चाहिए बहुत जल्द वही होता रहेगा, आप देखते रहिए।